मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार चमोली जिले में लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है, जहां एक और बर्फबारी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे बर्फबारी के बीच बारात निकाली गई। दूल्हे राजा बर्फ में ही दुल्हनियां लेने चल पड़े हैं। बाराती भी शादी के हर लम्हे का लुत्फ उठाते हुए दिखे। पूरा मामला घाट ब्लॉक के लुंतरा गांव का है, जहां भारी बर्फबारी के बीच शादी समारोह का आयोजन किया गया और इसी परेशानी में लोग बड़े उत्साह के साथ इस समारोह के साथ बर्फबारी का भी एंजॉय करते हुए दिखे। आप ये देख सकते हैं कि कितनी मनमोहक एक तरीके से कहें कि तस्वीर है, जो दूल्हे राजा हैं वो अपनी दुल्हनिया को लेने इतनी बर्फबारी में भी चल दिए हैं। आप ये देख सकते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो छाता लिए हुए पूरी शादी को एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ से बच रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का जो जोश है, जो एंजॉयमेंट है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। बर्फबारी के बीच भी ये लोग अपनी इस पूरी पार्टी को, अपने इस पूरे कार्यक्रम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से जो दूल्हा है वो भी छाता लेकर बैठा हुआ है और जो लोग हैं, जो बराती हैं, जो घर के लोग हैं, वो भी छाते के साथ बारात को लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दोनों तस्वीरें चमोली की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां बारात निकल रही है, आप ये देखिए कैसे ये बिल्कुल पतला सा रास्ता है, इस पतले से रास्ते पर भी पूरी तरीके से बर्फ गिरी हुई है, बर्फ की चादर से रास्ता ढका हुआ है। इसके बाद भी लोग बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हैं, लेकिन शादी में जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो तरफ तस्वीरें हैं वो शादी के जश्न की है। आप ये देखिए कि जब लोग समतल जमीन पर इकट्ठा हुए तो बैंड बाजों के साथ नाच गाना पूरी तरीके से कर रहे हैं और पूरी शादी के माहौल को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साफ तौर अपने आप में एक अलग ही मिजाज देखने को मिलता है और एक अलग ही मोटिवेशन सभी के अंदर देता है कि चाहे हालात कोई भी हो, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार चमोली में यह अनोखी शादी देखने को मिली है, तो दूल्हा है वो अपने दुल्हन को लेने भारी बर्फबारी में पहुंचा।